हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे दोस्तों। मेरा नाम है फावाद और आप देख रहे हैं IAmFawad यूट्यूब चैनल। आज मैं जो ट्रेलर आपके लिए लेकर आया हूँ वो है बॉलीवुड की नई आने वाली रोमांटिक कॉमेडी मूवी नवाबजादे। तो टाइम ज़ाया करने से पहले आइए ट्रेलर देखते हैं, फिर उसके बारे में रिएक्शन भी दूंगा और रिव्यू भी करूँगा। मैंने इन तीनों की डीएनए रिपोर्ट चेक की है, इन्होंने पिछले 6 महीने में किसी के साथ सेक्स ही नहीं किया। साले झूठ बोलता था। मैं ना सच्चे दिल की लौंडिया चाहता हूँ जिसके पास दिमाग भी हो। ये दो चीजें छोड़ के लौंडियों में सब कुछ हो गया भाई। लौंडिया तो ऐसे पटे, सलीम तुझसे पटे या तेरे भाई से पटे यार। दोस्ती में खटाई नहीं आनी चाहिए 1% की। गर्लफ्रेंड हो ऐसी जो डायनामाइट हो, हमसे फिर उसकी पिल्लो फाइट हो। आई लव यू, आई लव यू टू, आई लव यू थ्री। कितनी प्यारी है तेरी भाभी यार, कितनी भोली है तेरी भाभी, कितनी मासूम है मेरी भाभी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मम्मी कसम, मम्मी कसम, सीक्रेट रहेगा करेंगे जो हम। हम तीनों ने एक ही लौंडिया को पसंद किया और वो मान भी गई, तो सिद्धि कहाँ से हुई वो लौंडिया? अगर वो कमिटेड निकली तो? अबे तो कौन सी बड़ी सलमान खान है। शादी करवा दो शीतल से। मेरी शादी शीतल से करवा दो प्लीज। मोहब्बत क्या होती है अब मैं तुम्हें बताऊंगा। लव इज अ बिग ब्रॉड स्काई स्टार, यू हैव टू ब्रेक वन फाइंड दैट स्टार फॉर अ सोलमेट फॉर अ सनशाइन। सुनने में तो सही लगा था, मतलब क्या है? हाय नी हाय नखरा तेरा नी, हाय रे टेड गबरू नु मारे, हाय नी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लक दे हुलारे। कहानी को कल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कल्ट ना, थोड़ा सा कल्ट। मोहब्बत क्या है ना, समझाने का दौर खत्म हो गया है, अब तो बगावत का दौर शुरू हो गया है। सालों खौफ देखो। लास्ट टाइम वो लौंडिया थारे संग देखी गई थी। सर बात उन दिनों की है जब दबंग हिट हुई थी। हम ऐस की चादर ओढ़ते थे सर और ऐस ही की चादर बिछाते थे। तो अभिषेक क्या ओढ़ता था? कमाल का ट्रेलर है, मैं तो पूरे ट्रेलर में हंसता ही रहा हूँ। सिंपल सी स्टोरी है, तीन दोस्त होते हैं, उनको एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो किस तरह उस लड़की को पाने के लिए एक दूसरे को चीट करते हैं। लेकिन ट्रेलर के जो सेकंड पार्ट है उसमें ऐसा दिखता है कि या तो लड़की जिसे मोहब्बत करते हैं वो किडनैप हो जाती है या वो गायब हो जाती है, और उसका इल्ज़ाम जो है तीनों पर आता है, फिर उनके साथ इन्वेस्टिगेशन होती है, वो किस तरह हर्डल से गुजरते हैं, वो सारा कुछ। तो कुल मिला के एक लाफ राइट मूवी है। इसमें थ्री एक्टर्स हैं, राघव, पुनीत एंड धर्मेश, उन सब से आप तो वाकिफ ही हैं, वो डांस इंडिया डांस के काफ़ी बड़े सुपरस्टार्स हैं, डांस मास्टर्स भी हैं, खुद डांस भी करते हैं। ABCD1 और ABCD2 तो काफ़ी पॉपुलर मूवी थी बॉलीवुड की लास्ट 2-3 ईयर्स में, उसमें ये दिखे थे सारे के सारे। डांस वॉइस दिस मूवी विल बी ब्रिलियंट नो डाउट। इसमें जो भंगड़े सॉन्ग दिखाए गए हैं दो, और उस पर जो डांस होंगे वो काफ़ी कैची है और मज़ा आता है वो सुनने में भी। राघव की फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में बहुत है क्योंकि उनका जो डांस करने का डिफरेंस स्टाइल है, आई थिंक उसको क्रॉक्ट बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, तो इस फिल्म को बहुत फ़ायदा होगा। बिग बजट मूवी नहीं है, लेकिन ये कि छोटे बजट की इस तरह की जो मूवी दिल से बनाई गई होती है उसको देखने में मज़ा बहुत आता है। कंटेंट वाइज मूवी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, यंग एडल्ट जोक्स हैं इसके अंदर, तो जो यंग ऑडियंस है उसको ज़्यादा फेवर करती है ये मूवी। तो होपफुली ये दिस मूवी विल वर्क
काफ़ी इंजॉयबल फिल्म है देखा जाए तो, जो उसमें छोटे छोटे सीन्स दिखाए गए हैं, छोटे छोटे जोक्स हैं जो यंग जनरेशन गर्ल्स एंड बॉयज़ आपस में बात करते हुए करते हैं, तो आप उन जोक से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, या आपने अपनी जवानी में या अभी अगर आप जवान हो तो इस तरह के डायलॉग्स या बातें करते हो आपस में दोस्त, तो आप रिलेट कर सकते हो। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया है ट्रेलर देख के, तो उम्मीद है मूवी भी ज़्यादा अच्छी होगी इससे ट्रेलर से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ट्रेलर को कट करके जो जो सीन उन्होंने डाले हैं, ऐसा ना हो कि जब मूवी देखने जाएं तो जो ट्रेलर में दिखा दिया है बस वही कॉमेडी या रोमांटिक हो या इंटरटेनमेंट हो उसके बाद ना हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि ये नई टीम की मूवी है, तो लग रहा है कि दिल से बनाई गई है। तो मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात हैं इन लोगों के लिए, पूरी टीम के लिए, ये फिल्म चले और आप देखिए, और मासेस को डेफिनेटली अपील करेगी। अगले ही हफ्ते रिलीज़ हो रही है 27th को, तो देखना ना भूलिएगा। अगर आपको पसंद आई ये मूवी तो मूवी भी देखिए और मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर आपको पसंद आया, अपना फीडबैक भी मुझे दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए फॉर नोटिफिकेशंस, फीडबैक लाजमी दीजिए, मुझे आपके फीडबैक का बहुत इंतज़ार रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, स्टे सेफ, खुश रहें, आबाद रहें, गुड बाय।